एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से, आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज है 13 अप्रैल 1919। आनंद मनाने का दिन बिल्कुल भी नहीं है, है ना। आज के दिन एक ऐसी क्रांतिकारी घटना हुई थी जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दे दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इतिहास के छात्र हो सब, है ना, मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आप लोग बताएं, जलियांवाले बाग हत्याकांड में क्या पृष्ठभूमि थी, कैसे घटना सृजित हुई, कैसा रिएक्शन किया इसने, भारत में कैसा रिएक्शन हुआ, और आज 200 साल पूरे होने जा रहे हैं इस घटना के, है ना। 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी का दिन था, फसल कट के जब आ जाती है घर पे तो ये त्यौहार मनाया जाता है। और आपको पता होगा ये घटना का सूत्रपात किया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो हमें बड़ी आसरा लगा के बैठे थे अंग्रेजों से कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, भारतीयों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, कुछ राइट्स दिया जाएंगे, उसके बाद में हमें मिला क्या, क्या मिला था, रॉलेट एक्ट, काला कानून। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून जिसमें आप पे शक हुआ कि आप गड़बड़ व्यक्ति हैं, आप ब्रिटिश विरोधी भावना करते हैं, शक के आधार पे ही आपको उठा लिया जाएगा, जेल के अंदर पटक दिया जाएगा, ना आपका कोई वकील होगा, ना आपकी कोई दलील सुनी जाएगी, ना आपको कारण बताने की जरूरत है, कुछ नहीं बताया जाएगा, और अपनी मर्जी अनुसार वहां तक रखा जाएगा। और जब ये देखो, ये क्रांतिकारी घटनाओं का उदय हो रहा था, सही बात है, लेकिन फाइनली अंग्रेजों को ये लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपने, क्योंकि भारतीयों ने बड़ी शहादत दी है प्रथम विश्व युद्ध में, हम अपने लिए लड़े प्रथम विश्व युद्ध, किसके लिए लड़े, है ना, ब्रिटिशर्स के लिए लड़े, गांधी ने खुद आह्वान किया, और फाइनली जब उसका प्रतिकार किस रूप में मिला हमें, रॉलेट एक्ट, काले कानून के रूप में उसे जानते हैं। क्यों काला कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को, बताओ भाई, इतिहास के छात्र हैं आप लोग, हाँ कोई पूरी पूरी घटना बताए, सारा कुछ जलियांवाले बाग हत्याकांड में क्या हुआ, अच्छा जी, सेना के जवान थे तो सेना के जवानों ने आकर के बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि चलते हैं दरबार करते हैं, नहीं नहीं आपको सही जानकारी नहीं है, और कोई प्रयास करना चाहेगा, क्यों कर रहे थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, ये दो पर्सन थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। जब रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट का विरोध होना चालू हो गया भारत में बड़े स्तर पे, गांधी ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था, है ना, रॉलेट एक्ट के ऊपर ही रॉलेट एक्ट आंदोलन भी चालू किया गया था, उसके विरोध में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी चालू किया गया था, और उसका ये था कि भाई ये कानून वापस लिया जाना चाहिए, ये कानून हमारे हित में नहीं है, ये तो भारतीयों के दमनकारी कानून है, आप कुछ भी नहीं पूछोगे हमसे बिना मतलब का, ऐसे तो किसी को उठा के आप जेल में डाल दोगे, तो उसका आक्रोश था ये। और पंजाब वाले क्षेत्र में दो ऐसे नेता जो जिनके पीछे पूरा जन आंदोलन था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को जब उठा करके जेल में डाल दिया गया, तो वहाँ के लोगों ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को क्या किया, विरोध के लिए एक सभा आयोजित की गई जलियांवाले बाग हत्याकांड बाग वाले क्षेत्र में, ठीक है। और फाइनली जनरल डायर जैसा पर्सन वो लेकर आया, पूरी सेना को लाया, एक ही मार्ग था जिससे निकल सकते थे, प्रॉपर सब लाइन से खड़े हुए, तब तक गोलियाँ चलती रहीं जब तक गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई, बिना किसी तरीके से पूर्व चेतावनी दिए हुए उसने नृशंस हत्या करवाई, जनसंहार करवाया। और इसी के बाद जो है देश के जितने भी नेता थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी, गांधी ने इसकी अवहेलना की, गांधी का मन द्रवित हो गया, यहीं से गांधी ने ब्रिटिश विरोधी हो गए बुरी तरीके से, गांधी यहीं से ब्रिटिश विरोधी हो गए, वैसे पहले रॉलेट एक्ट से ही उनका मन खिन्न हो गया था,
लेकिन यहाँ से उनको फाइनली समझ में आ गया कि ये पूरी तरीके से भारत का दमन कर रहे हैं, इनका सहयोगी होने का कोई मतलब नहीं है। और फाइनली गांधी के द्वारा एक समिति बनाई गई जिसने इसकी जांच की थी, और एक हंटर कमीशन बनाया गया था उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें जनरल डायर को बोला गया कि इसने काम तो सही किया है, सही नियत से किया है, लेकिन माध्यम गलत था, साध्य गलत था, नियत सही थी इसकी। देखो क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कह रहे थे ब्रिटिशर्स के प्रति तो राष्ट्रभक्ति है, ये तो राष्ट्रीयता की भावना दर्शाना चाहता था अपना, बस मार्ग गलत चुन लिया, हिंसा का तरीका चुन लिया, ऐसे करके उसे। और जब वो वापस लौटा ब्रिटेन तो वहां बकायदा उसे सम्मानित किया गया, तलवार दी गई, सब कुछ दिया गया, और उसे एक ब्रिटिश शेर कह करके संबोधित किया गया कि ये तो बहुत बड़ा नाम ऊंचा करके आया है। और समझो जब हजारों की संख्या, हजारों तो सरकारी आंकड़े थे, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मरे उस क्षेत्र में, यहाँ तक कि जब कमीशन बैठाया गया और जनरल डायर से क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, तो जनरल डायर ने कहा कि मैंने गोली इसलिए चलवाई ताकि वहाँ की जनता हिंसक हो रही थी। तभी एक पैनल में बैठे हुए अधिकारी ने पूछा कि एक छोटा सा बच्चा जिसको तुमने मारा वो कैसे हिंसक हो रहा था तुम्हारे ऊपर? छोटे छोटे बच्चों को, इतने इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी जनरल डायर ने कोई बख्श नहीं की, सबको मरवाया एक तरफ से, कोई नहीं बचा। आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस पे बड़ा विवाद ये चल रहा है कि ब्रिटिश संसद इस पे बकायदा माफ़ी मांगे, माफ़ीनामा होना चाहिए उनका कि उन्होंने भारत में आकर के ऐसे जुल्म ढाए हैं अपने वैश्विक शासन के टाइम पीरियड पे, और बकायदा जिन्होंने जुल्म किया है उनको इन्होंने सम्मानित किया है। वैसे थेरेसा मे ने कंडम किया है, बोला हम आलोचना करते हैं, हमारी ऐसी कभी नीयत नहीं है, ना हमने कभी किया है सब चीज़ें, उस बर्बरता को हम मानते नहीं हैं, लेकिन प्रॉपरली आप इस पे श्वेत पत्र जारी कीजिए और जारी करके बकायदा भारत सरकार और पंजाब के उन लोगों से ब्रिटेन सरकार को मांगनी चाहिए माफ़ी कि हमारे इतिहास में गलती की गई थी, इसका हम माफ़ीनामा मांगते हैं। कुछ नहीं तो उससे देखो, ऐसा नहीं है कि वो दर्द भर जाएंगे, लेकिन समझो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जितने लोगों ने शहादत दी उस शहादत का परिणाम है भारत की आज़ादी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिलाई, भारत की आज़ादी भारत के एक एक व्यक्ति की, जो उस युद्ध में मरा या नहीं मरा, जरूरी नहीं कि हम युद्ध में मरी जाएं तो ही हम पूरे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ किया, महिलाओं ने किया, किसानों ने किया, मजदूरों ने किया, वामपंथियों ने किया, राष्ट्रवादियों ने किया, कांग्रेस जैसे मंच ने किया, सब ने किया, सबका सहयोग है इसमें, कोई एक व्यक्ति देश को आज़ाद नहीं करा सकता। यदि गांधी का नाम आज जाना जाता है तो गांधी के पीछे एक हुजूम खड़ा था जो उस नाम को पहचानने के लिए प्रेस कर रहा था। यदि गांधी के सामने कोई नहीं होता, खाली बैठ के क्या कर लेते? उनके पीछे तो एक बड़े संख्या में जनसंख्या बल था, और लोगों को भी एक ऐसा लीडर चाहिए था। यदि वो जनता नहीं होती तो फॉलोअर नहीं होते तो नेता का मतलब क्या है? नेता बनता किससे? लोग पसंद क्यों करते हैं किसी नेता को, किस चीज़ से पसंद करते हैं आप, किसको फॉलो क्यों करते हैं? विचारधारा को लेकर, गांधी की विचारधारा कुछ तरीका ऐसा था, लोगों को लग रहा था कि इसमें न्यूनतम हानि है, न्यूनतम क्षति है और महत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है, देश को आज़ाद करने का शायद सबसे सार्थक तरीका यही हो। तो शांति प्रिय लोग, हिंसक लोग, हिंसा का तो पुट नहीं था लेकिन वो भी गांधी के विचारधारा में आकर के अहिंसक बन के देश की आज़ादी में अंत तक लड़ते रहे। लेकिन इसमें क्रांतिकारियों की भूमिका उतनी ही है, इसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की भूमिका उतनी है, इसमें जितने भी लोग उस जलियांवाले बाग हत्याकांड में ख़त्म हुए वो अपने हित के लिए नहीं खड़े हुए थे वहाँ पर, सबका योगदान है। ठीक है, तो ये देश की शहादत हर व्यक्ति ने दी है। अब देखो बात ये है कि अब 100 साल हो रहे हैं, 100 साल किस लिए? सिर्फ याद करने के लिए कि आज के दिन को याद करके निकल लें? अब देखो ये जो आज़ादी मिली है ना, 70 साल से ज़्यादा हो गया, हमारा क्या फ़र्ज बनता है? हमारा क्या उद्देश्य है? एक स्टूडेंट के तौर पे आपका क्या फ़र्ज बनता है? एक शिक्षक के तौर पे क्या फ़र्ज बनता है? एक अधिकारी के तौर पे क्या फ़र्ज बनता है? एक नागरिक के तौर पे देश के प्रति क्या फ़र्ज बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अदा करता है। यदि एक एक व्यक्ति समझने लग जाए कि देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, तो वास्तव में देश को ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग अपनी कर्तव्य निष्ठा को भूल चुके हैं, हमारी इथिकल वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बना बना अब हमारी पीढ़ी है। जैसे मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं, हमारी पीढ़ी को तो सब चीज़ विरासत में मिल गई, आज़ादी विरासत की चीज़ है हमारे लिए, तो हम थोड़ो ना मरे।
है ना, जो मरने वाले पुरखे थे मर के चले गए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि उस विरासत को, आज़ादी को हमेशा बनाए रखें, उसे ख़त्म ना होने दें, भारत की बहुविविधता को, भारत की सामाजिक संस्कृति को, भारत के कट्टरवाद को समाप्त करें। हम सांप्रदायिकता के दमन का वाहन करते हैं, हम चाहते हैं कि सांप्रदायिकता का समूल विनाश हो जाए, इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए हमारे उसमें। अच्छा, कैसे सांप्रदायिकता पनपती है? क्या सांप्रदायिकता कट्टरता नहीं है? विचारों को लेकर के मैं कट्टर हो जाऊं, आप कट्टर हो जाएं, तो क्या हम सांप्रदायिक नहीं हो जाएंगे एक सेकंड में? क्या सांप्रदायिकता का दमन सहिष्णुता के माध्यम से किया जा सकता है? यदि मैं सहिष्णु हो जाऊं, मैं आपकी ने कोई बात कही जो मुझे लगा कि मेरे खिलाफ है, यदि मैं, हमारी संस्कृति ने हमें सहिष्णुता ही सिखाया है, लोचशीलता ही सिखाया है, यदि ये चीज़ें आ जाएं तो देश का जो भावी विकास है, जो मर के चले गए उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, वरना ऐसे ही मरते कटते रहोगे। जिस दिन चार दिन के लिए त्यौहार आ जाएंगे, त्यौहार जैसे कल 14 तारीख है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिवस है, कहते तो हैं कि चलो अंबेडकरवाद है, अंबेडकर जी का वो है, लेकिन क्या है उसका वास्तविक रूप, फॉलो हो रहा है, कुछ वास्तविक भावनाएँ उनकी हो रही हैं, कितना सम्मान दिया जा रहा है उसका, सब चीज़ का राजनीतिकरण हो गया है, मुद्दों का राजनीतिकरण कर लिया गया, राजनीति का अपहरण हो गया एक एक विषय का। क्यों? कारण यह है कि हम अशिक्षित हैं, देश के युवाओं के पास शिक्षा नहीं है, दिग्भ्रमित हैं, सब लीडर बनने की चाह है लेकिन लीडरशिप नहीं है उनके अंदर, वो तो ढूंढ रहे हैं, कोई लीडर मिल गया उसके पीछे भाग लिए। भारत में बताया ना, भेड़िया दशान है, भीड़ तंत्र है, यहाँ पे भीड़ वो होती है जिसको किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है, कभी भी आपको जोश भर दिया जाए तो आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे, कभी भी आपके अंदर कोई आके सांप्रदायिक भावना भर जाए तो एक दूसरे को मारने काटने लग जाएंगे। क्या चेहरा है भीड़ का बताइए? है कोई चेहरा? है कोई शक्ल? कोई शक्ल नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है हम लीडर हैं, एक एक व्यक्ति लीडर है लोकतंत्र में, जो एक एक बात को समझता है। यहाँ के लोग तो जो चुनाव जैसे जो पर्व होते हैं उनमें भी छुट्टियाँ मनाते हैं, इतनी भी हल्क नहीं करते, बाकी चाय पे चर्चा खूब करा लो, नुक्कड़ों पे, गली में, मोहल्लों में, वहाँ जा करके घंटों बात कर लेंगे, ये खराब है, वो खराब है, लेकिन इतनी जहमत भी नहीं होती कि एक बार जा करके मतदान कराएं प्रॉपर। 50 क्वेश्चन उठवा लो उनसे, 500 क्वेश्चन उठवा लो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़े करवा लो, 50 काम भी तो हैं उनके पास, उस दिन काम ज़्यादा निकल आता है जिस दिन देश के लिए ज़रूरत पड़ती है उनकी। कहते हैं एक वोट से क्या हो जाएगा, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा? भाई आप सरकार बना रहे हो, आप नीति नियंता हो, संविधान ऐसा नहीं करता कि पूरा का पूरा आप ही को बना देता कि आप जाओ, आप चुन लो, जाओ आप अकेले चुनोगे, ऐसे तो सब चुनने लग जाते। एक ही वोट तो दिया जाएगा एक व्यक्ति के लिए, तो कोई वैल्यू नहीं है हमें अपने उसकी। क्यों? पैसे मिल गया, विरासत की चीज़ है, फ्री की चीज़ की कोई तवज्जो होती है? कहाँ से वैल्यू पता चलेगी? फ्री में जो चीज़ मिलती है, यूज किया गया तो यूज किया गया, नहीं यूज किया गया तो नहीं यूज किया गया, जाने दो। तो समस्या यही है, जो चीज़ें हमें मिली हैं, ना हमें स्वतंत्रता का वैल्यू पता है, ना समानता का पता है, ना हमें लोकतंत्र का पता है। क्यों कभी राजतंत्रात्मक प्रणाली में जिए ही नहीं, निरंकुशता में कभी जिए ही नहीं? ठीक है, अब वो सीधे शिक्षा दे सकती है कि यदि सही शिक्षा और सही प्रणाली से आप विकसित हुए तो शायद इन चीज़ों को समझ लें, अन्यथा सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जानी है, आप भी भ्रष्टाचार करने के लिए उतारू हो जाओगे। ठीक है, मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी, अब क्या बुरी लगी मैं थोड़ा सा